मुजफ्फरनगर में कूड़े के ढेर पर एक व्यक्ति की लाश मिलने के मामले में एसटीएफ मेरठ और कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए चार हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। डूंडा कहने पर की हत्या, रिश्तेदार ने रची हत्या की साजिश, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, चार आरोपी पुलिस गिरफ्त में। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी रोड पर 18 जनवरी को कूड़े के ढेर पर एक शख्स की लाश मिली। पुलिस ने उस शख्स की शिनाख्त रामपुरी में रहने वाले धनवीर के रूप में की। धनवीर के भाई ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। शनिवार को मेरठ एसटीएफ की टीम और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। पुलिस ने चार आरोपियों को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार, मृतक धनवीर का आधार कार्ड, पासबुक और विकलांग प्रमाण पत्र बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उसे धनवीर बात-बात में टुंडा कहा करता था और ये बात उसे इतनी बुरी लगी कि उसने आखिरकार हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को फिर अंजाम दिया। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि हत्या आरोपी ब्रिजपाल मृतक धनवीर का ही रिश्तेदार था। ब्रिजपाल का एक हाथ कटा हुआ है और इसी बात को लेकर धनवीर बात बात पर उसे टूडा कहा करता था। अंदर ही अंदर ये बात ब्रिजपाल को इतनी बुरी लगी कि उसने अपने रिश्तेदार की हत्या की फिर साजिश रच डाली। ब्रिजपाल ने अपने दोस्त गजेंद्र से संपर्क किया कि एक मेरा रिश्तेदार है धनवीर, ये मुझे बहुत परेशान करता है। इस पर उसने अपने तीन साथी आकाश, राजू और गजेंद्र ने मिलकर इसके साथ शराब पी बैठ के इसको अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गए और मफलर से गला घोट के इसकी हत्या कर दी। इससे मफलर, गाड़ी प्लस मृतक की पासबुक बरामद की जा चुकी है। महज टुंडा कहने पर अपने ही रिश्तेदार की हत्या की साजिश रचना और हत्या करना घृणित मानवता के मूल्यों को दर्शाता है। अपराध चाहे जैसी भी परिस्थितियों में किया गया हो, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।